Hey guys, what's up? This is Shivali from EHS for you. और इस वीडियो में आइए चलिए देख लेते हैं कुछ लेटेस्ट ट्रेंडिंग टेक न्यूज जो कि चल रहा है इंडिया में। दोस्तों, जो सबसे बड़ा न्यूज हमेशा होता है वो कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और जियो के बीच में सबसे फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड किसका है। जैसे पहले, बहुत पहले ओकला ने कंफर्म किया था कि एयरटेल का सबसे हाईएस्ट स्पीड है। उसके बाद ट्राई का जो ऑफिशियल स्पीड टेस्टर ऐप है उसके हिसाब से रिलायंस जियो अभी तक भी फास्टेस्ट इंटरनेट 4G सर्विस प्रोवाइडर है। लंदन बेस्ड एक कंपनी ओपन सिग्नल बोल के, जो कि वर्ल्ड वाइड हर एक सर्विस प्रोवाइडर का स्पीड टेस्ट करता है, उसके हिसाब से रिलायंस जियो स्लोएस्ट है दोस्तों। हाँ दोस्तों, एवरेज स्पीड की बात करें फास्ट वाटर ऑफ 2017 की, तो रिलायंस जियो का रीडिंग्स करीब आता है 3.9 Mbps। मान लीजिएगा दोस्तों, ये एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, ये डेटा ओपन सिग्नल ने लिया है 95,000 यूजर्स के बीच। वैसे देखा जाए तो रिलायंस जियो एक साल के अंदर ही 125 मिलियन यूजर्स हो गया है। इसका डेटाबेस तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू एनी सर्विस प्रोवाइडर, लेकिन ये आता है एक कॉस्ट में, वो कॉस्ट है स्पीड। जैसे ओपन सिग्नल के डेटा दिखाता है कि एवरेज स्पीड ऑफ रिलायंस जियो 3.9 Mbps है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2017 में, वहीं पे एयरटेल का स्पीड है 5 Mbps। अगर पीक स्पीड की बात करें, पीक स्पीड मतलब जिस टाइम पे वो हमेशा मैक्सिमम स्पीड देता है ये सर्विस प्रोवाइडर, तो रिलायंस जियो की बात करें तो वो 50 Mbps में पीक स्पीड आता है, वहीं पे एयरटेल का 56.1 Mbps है पीक स्पीड। तो उस हिसाब से भी, डेटा के हिसाब से भी, एयरटेल ही फास्टेस्ट नेटवर्क हो रहा है इंडिया में अकॉर्डिंग टू ओपन सिग्नल। हाँ दोस्तों, रिलायंस जियो आता है सेकंड में, फॉलोड बाय वोडाफोन, उसके बाद आइडिया। अब दोस्तों, जैसे कि रिलायंस के एनुअल जनरल मीटिंग में रिलायंस जियो फोन ऑफिशियली लॉन्च हुआ था, अभी तक ये अवेलेबल नहीं है क्योंकि 24 अगस्त से प्री बुकिंग इसका होगा और सितंबर से रोल आउट होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। अब सुनने में आया है इंटेक्स ये मैन्युफैक्चर कर रहा है ये जियो फोन को, लेकिन इसमें सिंगल सिम इनेबल हैंडसेट ही होगा ये। हाँ दोस्तों, इसका मतलब क्योंकि ये 4G वोल्टी कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ रिलायंस जियो का सिम ही अभी तक के लिए ये यूज होगा। रिलायंस के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने ये बात कंफर्म किया है दोस्तों कि सिंगल सिम वेरिएंट में अभी तक के लिए ये लॉन्च होगा रिलायंस जियो फोन, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जियो सिम ही आप यूज कर सकते हो। दोस्तों, चाइना की लीडिंग ई कॉमर्स साइट अलीबाबा और इंडिया का पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम, ये दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है कि $200 मिलियन इन्वेस्ट करेगा बिग बास्केट में। हाँ दोस्तों, इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग ऐप या फिर वेबसाइट बिग बास्केट में और इन्वेस्टमेंट आ रहा है अलीबाबा और पेटीएम से। ये इन्वेस्टमेंट के दौरान अब बिग बास्केट अवेलेबल होगा और भी शहरों में और भी पिन कोड्स में, और सिर्फ यही नहीं, इसका सर्विस भी एनहेंस होगा, डिलीवरी भी प्रॉम्प्ट होगा। ऐसे स्टेप बाय स्टेप बिग बास्केट बहुत सारा स्टेप्स ले रहा है। वैसे ही ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है इसका, तो इसके हिसाब से इसका पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा है दोस्तों। अब ये इन्वेस्टमेंट के तहत ये माना जा रहा है कि बिग बास्केट बहुत ही जल्द हर एक शहरों में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही जल्द अवेलेबल हो जाएगा दोस्तों। आखिर में एक अजीबोगरीब कंप्लेन आ रहा है OnePlus 5 के यूजर्स से। दोस्तों, ये कंप्लेन यही है कि OnePlus 5 यूजर्स होने के बावजूद भी उन लोगों के पास कुछ पुश नोटिफिकेशन आ रहा है, जिसको बोल रहा है वो लोग कि OnePlus से आ रहा है कुछ सर्वे लेने के लिए, जिस सर्वे कंप्लीट करने के बाद चांसेस है कि OnePlus 5 फ्री में मिल जाएगा। अब तो ये अजीबोगरीब सिचुएशन हो गया, ऑलरेडी आप OnePlus 5 के यूजर हो, फिर सबको नोटिफिकेशन आ रहा है कुछ सर्वे लेने के लिए OnePlus 5 जीतने के लिए। ये कुछ राउंड अबाउट सिचुएशन हो गया है। ये ग्लोबली बहुत सारे यूजर्स का ऐसे मानना है कि ये कंप्लेंट्स है, इरिटेटिंग मैसेजेस आ रहा है, इरिटेटिंग नोटिफिकेशंस आ रहा है ये सर्वे के लिए। वहीं पे OnePlus 5 ने कंफर्म किया है कि ये सिर्फ एक यूजर बेस्ड सर्वे है, ताकि यूजर का फीडबैक लेने के लिए, ऐसा कुछ है नहीं, ताकि वो लोग उसका सर्विस और इम्प्रूव कर सके, इसीलिए ये नोटिफिकेशन भेज रहा है। वैसे देखा जाए तो OnePlus 5 लॉन्च होने के बाद बहुत सारा सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी आया है OnePlus 5 में, बहुत सारे इश्यूज का रिजॉल्व भी हुआ है। ऐसे ही दोस्तों, OnePlus ने बोल रहा है कि ऐसे सर्विस भेज रहा है OnePlus 5 यूजर्स के लिए, ताकि और एनहेंसमेंट हो सके हैंडसेट में। तो होप सो ये वीडियो हेल्पफुल रहा आप सभी के लिए। जितना हो सके इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी के साथ, क्योंकि नॉलेज
और इंफॉर्मेशन सभी के साथ बढ़ना चाहिए। और अगर आप ऐसे ही ट्रेंडिंग टेक न्यूज डेली पाना चाहते हो तो मेरे चैनल में आके सब्सक्राइब बटन के बगल में जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको ऑन करना मत भूलना। अगर आपका कोई भी क्वेरी या कमेंट हो या आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो या फिर आप ट्विटर, फेसबुक या गूगल प्लस में भी पोस्ट कर सकते हो। आपको सिर्फ यूज करना पड़ेगा #egadgetsforyou। सो दैट विल बी इट गाइस, बाय फॉर नाउ।